एक बार तालियों की ओर से नव निर्वाचित राज्यसभा के सांसद शुरू हुआ हिमाचल में भाजपा का खेला। भाजपा ने कांग्रेस के 6 बागियों को दिया टिकट। भाजपा ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से आए सभी 6 बागियों को टिकट दिया गया है। सभी 6 सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग होगी। बीजेपी ने धर्मशाला विधानसभा से 4 बार के विधायक सुधीर शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सुजानपुर से 3 बार के विधायक रहे राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से 2 बार के विधायक रहे रवि ठाकुर, बड़सर से 3 बार के विधायक रहे इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो और गगरेट से चैतन्य शर्मा को टिकट दिया गया है। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक 3 दिन पहले 23 मार्च को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए थे। केंद्रीय नेतृत्व ने लाहौल स्पीति से दिग्गज नेता एवं 2 बार के मंत्री रामलाल मारकंडे और कुटलहड़ से पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर का टिकट काट दिया है। हिमाचल के 6 विधानसभा सीटों पर ये होंगे भाजपा के उम्मीदवार। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा, कुटलहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो। वहीं 3 निर्दलियों की सीटों पर उपचुनाव के ऐलान का इंतजार। हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायक भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें हमीरपुर के आशीष शर्मा, नालागढ़ के केवल और देहरा के विधायक होशियार सिंह शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने इनकी सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है, इसलिए भाजपा ने फिलहाल इन तीनों के टिकट अनाउंस नहीं किए हैं। दरअसल इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से 22 मार्च को इस्तीफा दिया था। इलेक्शन कमीशन उससे पहले ही लोकसभा और हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका था। ऐसे में इन तीनों सीटों पर तारीखों का ऐलान किया जाना है।